किराना व्यापारी के घर में दिन दहाड़े हुई लूटकांड का किया 10 घंटे में खुलासा। पुलिस ने लूट में शामिल 3 लुटेरों को किया गिरफ्तार। लुटेरों के कब्जे से लूटी हुई शत प्रतिशत 37,500 रुपए और लाखों के गहने बरामद। कल दिन दहाड़े पानी पीने के बहाने बदमाशों ने घर में घुसकर वृद्ध को बंधक बनाया और लूट लिए नकदी और लाखों रुपए के आभूषण। एक बाइक और तमंचा भी पुलिस ने किया बरामद। बुलंदशहर के डिबारी थाना क्षेत्र के मोहल्ला नमक मंडी की घटना। सर, एक लूट का खुलासा किया गया है, क्या है मामला खुलासा? कल दिनांक 10 तारीख को दिन में लगभग 12:30 से 1 बजे के बीच में कस्बा डिबाई क्षेत्र के अंतर्गत नमक मंडी में कस्बे में एक अंकुर अग्रवाल का मकान है और उनकी अपनी एक दुकान कस्बे में है जो परचून की दुकान है और अच्छे खासे व्यवसायी हैं। इनकी पत्नी अपने बच्चे को लेने के लिए इस विद्यालय गई हुई थी। घर में इनकी 75 वर्षीय वृद्ध माँ थी। उसी समय दो लड़के उनके घर में घुसे और उन्होंने कहा कि शादी के लिए सामान आज खरीदना है, अपने बेटे का मोबाइल नंबर दे दीजिए। महिला ने मोबाइल नंबर नोट कराया, एक दो बार अंदर बाहर गए, फिर आकर के महिला से इन्होंने कहा कि वो नंबर मिल नहीं रहा है, दोबारा बताइए। इस बीच में इन लोगों ने महिला को कैप्चर करते हुए घर में रखे हुए सामान अलमारी से निकाल लिए और इस तरह लगभग 13 लाख रुपये मूल्य के गहने और कैश जो लगभग 35,000 रुपये के आसपास का था इनके द्वारा वहाँ से लेकर के 12-13 मिनट के भीतर ही ये वहाँ से निकल गए। और हमारी टीम SPRA के नेतृत्व में और CO डिबाई के नेतृत्व में बहुत महत्वपूर्ण कार्य करते हुए मात्र 12 घंटे से कम समय में इस घटना में शामिल 3 महत्वपूर्ण अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया और इनके कब्जे से 100% बरामदगी सुनिश्चित कर ली गई। जो रिकवरी हुई है उसमें 35,750 रुपये नकद हैं, सोने चांदी के वो सारे आभूषण जिनकी कीमत लगभग 12-13 लाख रुपये के आसपास है वो बरामद कर लिया गया है। इसमें उल्लेखनीय बात ये निकल के आई कि एक अभियुक्त जैद जिसका नाम है पहले इन्हीं अंकुर अग्रवाल की दुकान पर 8 महीने पहले काम करता था और दुकान में चोरी करने के आरोप में उन्होंने इसको निकाल दिया था, उसके दूसरे भाई को रख लिया था। तो पूरी साजिश जो योजना बनाई गई इसी जैद के द्वारा बनाई गई और इसने कुछ और लोगों को मैनेज किया जिसमें से एक अपराधी को लगा दिया उस महिला की निगरानी करने के लिए जो अपने बच्चे को लेने के लिए विद्यालय गई थी। एक को दुकान पर लगा दिया कि अगर दुकान मालिक अपने घर के लिए चलता है तो उसको देखा जा सके, उस हिसाब से काम करें, और दो अंदर गए थे। ये गिरफ्तार 3 अभियुक्तों के कब्जे से जो है 2 तमंचे 315 बोर के जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। बाइक डिस्कवर जो घटना में प्रयुक्त हुई थी वो बरामद की गई है। घटना में 13 चूड़ियाँ जो है सोने की, 2 अंगूठी सोने की, चांदी के 7 सिक्के, 1 चांदी की हंटी छोटा मंदिर, 4 चांदी के कड़े, 6 चांदी के बिछवे छोटे बड़े, 1 चांदी की चक्की खिलौने वाली, 1 चांदी की छोटी कटोरी। तो इस तरह से 100% रिकवरी के साथ इंस्पेक्टर डिवाई और इनकी टीम के द्वारा बहुत ही सराहनीय कार्य किया गया है और अभियुक्तों को अब सलाखों के सर पुलिस टीम को इनाम भी दिया गया है। हाँ, पुलिस टीम को 25,000 रुपए के नगद पुरस्कार से पुरस्कृत किए जाने की घोषणा। सर, कुछ आपराधिक इतिहास निकल के आएगा? इनका फिलहाल अब तक कोई आपराधिक इतिहास नहीं मिला है, लेकिन इनके पास जिस प्रकार के असलहे मिले हैं उस संबंध में हम लोग जानकारी कर रहे हैं। जिन स्रोत से इन्होंने असलहे खरीदे थे उस पर भी कार्रवाई की जाएगी।